वो रन करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपने ये देखें ऊपर आपके ये टाइम ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कंप्लीट करते जाएंगे उनकी नज़र में भी आप एक अच्छा जो है वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप उनको बता भी सकते हैं कि कोड लैब्स के मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जब अप्लाई करें हायरिंग जॉब्स कहाँ से होती हैं वो भी आपको बता देंगे। फ्लटर के अंदर ही आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं गूगल के अंदर। तो ये आ गया जनाब, ये तो हमें मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ से इसको इग्नोर करके जा रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के टारगेट ये होगा कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी कैमरे के साथ, ताकि पता लगे कि आप ही उसको फॉलो कर रहे हैं और 38 मिनट्स के अंदर अंदर 70 के अंदर आप इसे पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह अपने कोड की रिकॉर्डिंग करेंगे और रन करेंगे पूरा यहीं से स्टार्ट लेके। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अभी एक डेमो चलाया हुआ था, ठीक है। उस डेमो का कोड मैं यहाँ से करूँगा सारे का सारा रिमूव मेन डॉट डार्ट से, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज ही आपने करना है हर एक बंदे ने, ठीक है जी, सेपरेट उसकी रिकॉर्डिंग करनी है और वो यहाँ लेके आनी है, क्लास में हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी क्विज और चेकिंग ही है सारी। और जी नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला काम तो हमने पहले किया हुआ है, अगर कोई नहीं करेगा तो उसे करना पड़ेगा। फ्लटर SDK सेट करनी पड़ेगी, एंड्रॉयड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी सारा काम, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, क्रिएट योर फर्स्ट फ्लटर ऐप। तो मेरे यहाँ पे सिंपल एक ऐप तो क्रिएट की हुई है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऐप क्रिएट की हुई है, लेकिन मेन में लिब मेन जो है वो खाली है, ठीक है, खाली मैंने कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे या तो आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, नहीं समझ आती तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, अदरवाइज यहाँ से कोड को करेंगे कॉपी, ठीक है। वैसे बेहतर हल तो यह है कि आप खुद पढ़ के करें, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले करवाया हुआ है इसलिए मैं ज़रा इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। मेन फंक्शन आ गया, स्टेटलेस विजिट क्लास से हमने अपनी क्लास को इनहेरिट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल ऐप डिज़ाइन, उसके बाद स्कैफोल्ड, ठीक है, ऐप बार इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ। उसके बाद ऐप बार के बाद सेंटर में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट विजिट हेलो, इसको हम रन कर लेते हैं, दैट्स इट। जब तक ये रन करता है, अब वो कहता है जी आपके पास ये स्क्रीन आएगी, ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। उतनी देर में ये जाके पढ़ते हैं, वो उतनी देर में रन कर लेगा, ठीक है। ये भी रन कर रहा है, मैं उतनी देर में इधर से क्या पढ़ता हूँ, उसने लिखा है जी यूज़ करें, क्या करें, यूज़ द एक्सटर्नल पैकेजेस। तो मुझे पहले लफ्ज़ पता हो कि एक्सटर्नल पैकेजेस क्या होते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के बने बनाए पैकेजेस, बने बनाए कोड्स, बनी बनाई लाइब्रेरीज, उनको मैंने यूज़ करना है। यानी कि कुछ कोड ऐसे होंगे जो मैंने नहीं लिखे हुए, जैसे कि अब उसने कहा जी रैंडम वर्ड्स जनरेट करवाने हैं, तो रैंडम वर्ड्स के लिए मुझे खुद कोड लिखना पड़े तो ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसने कहा जी आप इस तरह करें, पहले से कुछ लोगों ने ये इस नाम से, पैकेज का नाम क्या है, इंग्लिश वर्ड्स, ये इस नाम से बना के रखे हुए हैं, तो आप इसको यूज़ कर लें। वो कहता है जी यू कैन फाइंड, ये कहाँ से मिलेगा आपको, पब डेव से। तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास पब डेव इधर ओपन हो गया। इसका नाम भी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स। अच्छा, अब ये मेरे पास इधर आउटपुट आ चुकी है, बिल्कुल एक्यूरेट जैसे ही उसने कहा था वैसे आउटपुट मेरे पास हेलो वर्ड और वेलकम टू फ्लटर आ गई। पहला टारगेट मेरा अचीव हो गया। टाइम ऊपर कितना रह गया, 22 मिनट्स। अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या कहा जी, यहाँ पे उसने कहा जी आपको अगर ये मिल जाए, एड द इंग्लिश वर्ड पैकेज एज आ डिपेंडेंसी ऑफ दिस ऐप, अपनी ऐप में जाके डिपेंडेंसी में ऐड करें। उसने कहा एक तरीका आपके पास ये है कि आप ये लाइन इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखता हूँ कि ये वाला अप्लाई होता है कि नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टर्मिनल का, या Alt F12 दबाएंगे, ये नीचे शॉर्टकट की भी आ गई है, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा टर्मिनल। तो यहाँ पे आप Flutter pub add English words ये लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐड कर देगा, यानी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने डिपेंडेंसी मेरी ऐड करवा दी, ठीक है। अब ये कहाँ ऐड हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप ये ऐड देख सकते हैं pubspec.yaml फाइल। ये ऐप बिल्कुल एज अ कंट्रोल पैनल के तौर पे काम करती है, जैसे आपके लैपटॉप में विंडो में वो कंट्रोल पैनल होता है ना, वैसे ही फ्लटर ऐप में ये कंट्रोल पैनल के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पे आके देखें, ये देखें, आपको कोई फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका वो पैकेज आके यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैंने क्या किया था, मैंने जैसे उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी, अब दूसरे नंबर पे मैं देखना चाहता हूँ कि नहीं यार इस पैकेज में क्या है, कैसा नज़र आता है, कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो आप जैसे हमने ये जहाँ सर्च करके रखा है, ये देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, और ये देखें कितना स्कोर है इसका, पॉइंट्स मिले हुए हैं, और ये किस किस प्लेटफॉर्म पे चल सकता है, सब पे, नल सेफ्टी, और इसका वर्जन कौन सा है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। अब इसमें तीन टैब एग्जांपल भी मौजूद है, इंस्टॉल करने का तरीका भी मौजूद है। इंस्टॉल करने के लिए तरीका क्या है, या तो मैं ये वाली लाइन लिखूं डार्ट पब ऐड, अगर फ्लटर में करना है तो ये वाला, तो ये तो हमें वहीं से मिल गया था, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जाके खुद डिपेंडेंसी के अंदर ये लाइन ऐड करें, ठीक है। और लाइन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अगर मैं ये खुद करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से खुद करता हूँ, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जाके ही क्लिक करूँगा, तो मुझे फिर ये लाइन इस बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, पब गेट करना होगा। तो फिलहाल हमें करने की ज़रूरत नहीं है चूँकि इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना ही पड़ेगा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर आपने इम्पोर्ट करनी है ये वाली लाइन, ठीक है। अच्छा मैं देखता हूँ कि क्या उसने यहाँ भी गाइड किया कि नहीं, बिल्कुल किया है। उसने कहा है कि आप क्या करो, इन लिब मेन डॉट डार्ट में जाएं और इम्पोर्ट करें ऐड दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन को कॉपी करें, और कहाँ करना है, जहाँ पे मटेरियल डॉट डार्ट है, मेन डॉट डार्ट में आ गया, यहाँ मटेरियल डॉट डार्ट है, ये लाइन मैंने ऐड कर दी। अच्छा वो कह रहा है कि आपने एडिट किया है अभी तक, अब ठीक है, नहीं गेट डिपेंडेंसीज करते हैं, ताकि वो, क्योंकि हमने वहाँ एक लाइन लिखी थी तो उस वजह से वो उसको समझ रहा था कि आपने कुछ लिखा है, तो हमने उसे बता दिया कि मैंने कुछ नहीं लिखा। अच्छा यहाँ तक हमने स्टेप उसके फॉलो कर लिए, वापस जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, एज यू टाइप एंड्रॉयड स्टूडियो गिव्स यू क्वेश्चन फॉर लाइब्रेरी इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट ग्रे लेटिंग यू नो इम्पोर्ट लाइब्रेरी अनयूज सो फार, नाउ लेट्स यूज द इंग्लिश वर्ड्स पैकेज टू जनरेट द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेलो वर्ड। यानी जहाँ पे हम हेलो वर्ड डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडम वर्ड जनरेट करवाएंगे। तो हमने क्या करना है, जैसे उसने कोड प्रोवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है, ये देख लें, वो कहते हैं अब वो वाला कोड सारा डिलीट करें और ये वाला सारा कोड पेस्ट कर दें, या तो ऐसे ही कर लें, या फिर क्या करें, इसमें एक लाइन ये इजाफा हुआ है, ऐड दिस लाइन, ठीक है, ये कहाँ पे ऐड करनी है, ये आपने ऐड करनी है जनाब यहाँ पे स्टेटलेस विजिट में, ये लाइन यहाँ ऐड करनी है, ये कंस्ट्रक्टर को मेरा ख्याल हम हटा दें, इसको ज़रा बड़ी करें फाइल को, हाँ ये कॉन्स्ट हम हटा देते हैं, ठीक है, एक लाइन ये ऐड कर, अच्छा इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा फिर, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, ये वर्ड पेयर यहाँ ऐड हो गया। अभी फिलहाल आपको इस कोड की आधी आधी समझ आएगी, लेकिन आपको जो तरीका बता रहा हूँ कि आपने उसको पढ़ के करना कैसे, अगर उसको मुकम्मल सीखना है तो उसकी वीडियो पहले अवेलेबल है, अगर आपको याद हो तो वो हमने देखी नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कोड रन करने का तरीका फिलहाल अभी बता रहा हूँ। यहाँ नीचे उसने सारा समझाया है कि सेंटर के साथ आपने क्या करना है, अपर केस कैमल क्या करना है, और अब ये वाली जो लाइन है ये मैं यहाँ से कॉपी करके ऐड करूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे। अब क्यों एरर आ रहा है जी, अब हम इसी गलती से बचने के लिए क्या करते हैं, अब चूंकि ये मेरे से हमसे गलती होगी होगी, आप न्यू है तो बिल्कुल होगी, तो आप यहाँ से बाद में देख लें कि इसमें चेंजिंग्स क्या क्या हुई हैं, ठीक है। अब सही हो गया जी काम,
तो ये भी उन्होंने रखा हुआ था काम, ठीक है। अब इसको आप दोबारा से रन करें, हॉट रीलोड कर दें ताकि आपको दोबारा से रन ना करना पड़े यहीं पे जस्ट, ठीक है। अब इसको देखें ज़रा, ये दोबारा से रिफ्रेश होगी स्क्रीन, ये देखें बैंक स्क्वायर। अगर आप यहाँ से इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब स्टीप नाइट। अब रैंडम वर्ड जनरेट होते रहेंगे, ठीक है, ये रैंडम वर्ड जनरेट होते रहेंगे। अब हम इसको किस तरह का डिजाइन करना चाहते थे, स्क्रोलिंग वाला, ये वाला तो हो गया है, हमने किस तरह का करना था अगर आपको याद हो तो, अगर ये पहली वाली स्क्रीन पे ये वाला स्क्रोलिंग वाला इफेक्ट डालना था, ठीक है। हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पे, यहाँ से नेक्स्ट जाते हैं। वो कहता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्टेटलेस विजेट्स आर इम्यूटेबल, वो आपको क्लिक की फैसिलिटी नहीं दे सकते, आपको स्क्रोल या क्लिक इस तरह की फैसिलिटी नहीं दे सकते। लेकिन हमने क्या बनाया हुआ है, चूंकि आपने कोड में जो रन किया है कोड वो सारा स्टेटलेस है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वो कहता है कहाँ जाना पड़ेगा, ऑल वैल्यूज आर फाइनल, तो आपको स्टेटफुल की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं आप इस तरह करें कि आप ये वाली क्लास कॉपी पेस्ट कर लें, ये हमने एक स्टेटफुल क्लास इनहेरिट करवा के रखी है, आप इसको लेके जाएं। कॉपी किया मैंने, कहाँ पे, अब ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ पे पेस्ट करनी है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अलहदा से, बिल्कुल उसके नीचे। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको वो बताएगा कि आपने इसको जनरेट करना है, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं जी आप क्या करें, यहाँ पे कंप्लीट कोड दे दिया उसने, क्लास ऐप, उसने कहा आप जो स्टेटलेस आपने बनाई हुई है ना क्लास, उसकी जगह पे ये वाला कोड पेस्ट कर दे, ठीक है। ये मैंने कोड उठाया, और स्टेटलेस क्लास कौन सी थी, इसको मैंने यहाँ से पेस्ट कर दी, दोबारा से दूसरी क्लास पेस्ट कर दी है, और ये कॉस्ट भी हटा दिया है। अब ये देखें, ये स्टेटलेस है, यहाँ पे रैंडम वर्ड्स आगे कॉल हो रही है, ये रैंडम वर्ड स्टेटफुल आ गई। अब हमारा टारगेट जो था यहाँ तक का वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, क्रिएट एन इनफाइनाइट स्क्रोल व्यू, अब इसकी बारी रह गई है जी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ तक कोई परेशानी है, परेशानी, अच्छा अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है। अब मैं यहाँ पे बगैर पढ़े कर रहा हूँ, आपने यहाँ से पढ़ के कंप्लीट करना है। मैं यहाँ से लिस्ट व्यू को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने कॉपी किया, ये ऊपर लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है, क्यों करना है, और मैं यहाँ पे कंटेनर की जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सिर्फ दो लाइनें मुझे और पेस्ट करनी है जो कि मैं पेस्ट नहीं कर पाया, ये वाली, ये दो लाइनें कहाँ पेस्ट करनी है, ये हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है, यहाँ पे, ठीक है जी। अब अगर हम इसको रन कर दें तो आई होप कि हमारे पास इंटरफेस स्क्रोलिंग वाला आ जाएगा और इनफाइनाइट हम नेम जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। ये ले जनाब, स्टार्टअप नेम जनरेटर हमारे पास आ गया है, ऊपर वेलकम टू फ्लटर लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन ये स्टार्टअप नेम जनरेटर आपके पास आ चुकी है, ठीक है। ये है आपका फाइनल कोड।